हम राम भाई सारे भाई ने अरे आज अपनी ब्रेजा नरेगा निकल लिए हैं और वजीरपुर जा रहे हैं भाई, और अपना ये है गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ नहीं इसका सर्विस का, लेकिन जैसे कि अब कल की वीडियो में बताया था कि रोड ट्रिप पे निकल सकते हैं अगले हफ्ते, तो उसके लिए सर्विस करानी जरूरी है इसकी, ब्रेक पैड वगैरह जो भी है अपना चेक पहले प्रिपेयर रहे। और भाई यू अपना कार खाट और अपने गणेश जी हैं। दो मिनट के रास्ते के ऊपर भाई जहां मिल गया बस टर्न लेना है, अंडरपास पार होते हैं लेफ्ट टर्न लेना और पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, पर इतने में ही जाम मिल गया। जाम का कारण ये था यू, और हम अपनी डेस्टिनेशन पे बस पहुंच गए। यहाँ से अपन लेफ्ट ले लेंगे और हम पहुंच गए बड़ा सुजुकी के सर्विस सेंटर वजीरपुर। भाई कितना है जल्दी कर लो, कितना ही जल्दी कर लो घर से निकल के भी, अभी खुलने का टाइम हुआ है, जस्ट टाइम भी नहीं हुआ, 10 बजे तो गूगल पे दिखा रखा था भाई, देख लो बजने में भी 4-5 मिनट है, फिर भी देख लो मतलब लाइन लग रही है गाड़ियों की सर्विस कराने आने वालों की। और भाई एक चीज से सावधान करना चाहूंगा आपको मैं, जब भी सर्विस कराना हो शोरूम में तो 70-80 हज़ार के बाद इनकी मेजर सर्विस होती है, जिनको ये बताते हैं कि गाड़ी की मेजर सर्विस होगी अब, क्योंकि ज़्यादा चल गई गाड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 70-80 हज़ार में कुछ नहीं होता गाड़ी को। मेन बात क्या नहीं है कि ये अब आपको मतलब बताएंगे कि इंजन खोल के वॉश करा लो, मतलब इतनी चीज़ गिनवा देंगे भाई, हमें तो नॉलेज है नहीं उस चीज़ की मैकेनिक तो है नहीं हम, ये खोल के चेक, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये करवा लो वॉश करवा लो, मतलब अपने पैसे बनाने के चक्कर में रहोगे खूब, क्योंकि मेजर सर्विस है तो वो एक्सपेंसिव हो जाए, ज़्यादा 15,000 रुपये तक के बजट में चली जाएगी वह, तो उस चीज़ से बच कर ही हो, कोई जरूरत नहीं होती भाई साहब खास कुछ करवाने की, अपने बस नॉर्मल तेल पानी चेंज करो, ब्रेक पैड वगैरह शू वगैरह जो जो मेन चीज़ अपनी वेट कराओ सर्विस में, ये होया करे, बाकी इनकी बकाई हम बताइए, यो कर देंगे खोल के, यो कर देंगे साफ कर देंगे, तो कुछ नहीं करते भाई ऐसा, ये कुछ भी नहीं हो है, हमने नहीं बेरा इंजन के भीतर न किए करा के नहीं करा, खाम खाई इसके 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो बढ़ा लेंगे पड़ेंगे, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो अपना बच कर ही हो इनके स्कैम में बताइए, यो ये उलझाने की कोशिश करा करें हमेशा। Later. तो भाई अभी टाइम हो गया फिलहाल 4 बज गए और 4 बजे मैं वापस आया हूँ, मैं चला गया था समयपुर बादली में मौसी के घर पे चला गया था, तब तक गाड़ी छोड़ के, गाड़ी मैंने छोड़ दी थी 10 बजे और अभी 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे बाद वापस आया हूँ गाड़ी लेने, अभी देखते हैं कितना क्या काम कराए इन्होंने, कितना क्या रहता है, गाड़ी में कुछ पार्ट भी चेंज कराने थे मैंने, देखते हैं कितना क्या कॉस्ट आता है, सब कुछ देखते हैं। नीचे से भाई कुछ ऐसी दिखती है, तो इसके कोई बूश बूश है वो बदले हैं इन्होंने भाई, ये 1, 2, 3, 4 सेंसर खराब थे इसके, बैक सेंसर चारों चेंज हुए हैं, पेंट होने गए हुए आ रहे हैं,
पूरी भाई गाड़ी की सर्विस पूरी अपनी, सारे काम हो गए, मच्छर बहुत कुछ रहे गाड़ी में और सारा काम हो गया। और आपको दिखाता हूँ बिल कितना आया है। मारुति की गाड़ी है भाई, कैन कोई, पर इसका बिल देखो ये कुछ 22,890 रुपये लगा लो। और ये आफ्टर डिस्काउंट है भाई, मतलब 30% डिस्काउंट था कुछ, किसी चीज़ पर तो याद नहीं है, और 50% था लेबर पर डिस्काउंट। जब मतलब 24,000 कुछ का बिल बैठा था, उसके डिस्काउंट के बाद ये बैठा भाई हमारा 22,890 रुपये का। तो ये सर्विस है भाई, ये सर्विस है भाई सुजुकी की, महिंद्रा की सुजुकी की सर्विस है, जो मैं सुबह कहूँ था आपने कि फालतू फंडा में लुटे हैं, और मैंने तो ऐसा कुछ लुटना काम करवाया भी नहीं है। इस हालांकि जो मेन काम है वो छिड़वाया था, और उसमें मेरा खर्चा इतना आ गया, 23,000 रुपये भरने पड़े मैंने। तो देखते हैं अब कैसी क्या चलती है, चलो। और वह अभी इसके वाइपर और चेंज करवाने हैं, वाइपर भी ठीक करवाऊंगा, चलो तब दिखाता हूँ आपको। वही आया था अब, वाइपर की दुख पिछली बार यहीं से बदलवाए थे, अब की बार स्टॉक में है नहीं, तो निकलते हैं, जब वाइपर है नहीं यहाँ पे। तो भाई होगी अपनी गाड़ी की सर्विस, और अब घर पे निकलने अपने रास्ते में है। और भाई सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ब्रेजा की सर्विस कॉस्ट भी मतलब 24,000 रुपये पहुँच जाएगी। तो हाँ 24,000, तो उसमें से आप लगा लो 5,000 कुछ के तो उसके सेंसर चेंज हुए हैं, पार्किंग सेंसर थे जो पीछे के वो ख़राब हो रहे थे, वो चेंज करवाए, तो 5,000 कुछ के तो वो चेंज हुए हैं। और दो रोड सी थी, टायर में लगती है जिससे आवाज़ आ रही थी अंदर, नॉइज़ थी गाड़ी के अंदर, जैसे भी कोई ब्रेकर आ रहा है या कुछ भी, स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है थोड़ा बहुत, तो अंदर धक धक की आवाज़ आ रही थी। तो वो रोड चेंज हुई है, 2-4,000 रुपये करीब की वो थी, तो मतलब 9,000 रुपये अगर इनके काटें 24,000 में से, 23,000 में से 9,000 काटें, तो फिर भी 14,000 रुपये करीब सर्विस कॉस्ट आई है गाड़ी की, 14,000 कुछ के। तो 14,000 भी ब्रेजा की सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी भाई, फॉर्चूनर की 8,000 रुपये की सर्विस हो जाए यार, पर ब्रेजा जैसी गाड़ी 14,000 रुपये लेने लग रही कॉस्ट के, तो बहुत ज़्यादा है ये, इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से 14,000 सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और अपना भाई टाइम हो गया, सुबह के निकले थे भाई, सुबह निकले थे हम 9:30 बजे घर से, और अभी फिलहाल 7 बज गए। इतना ही था भाई आज के व्लॉग में, जाके अब बड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, एडिट वेडिट करेंगे, खाए पियेंगे कुछ, इतना ही था आज के व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ट्रिप पे जाने से पहले ही 23,000 रुपया खर्चा हो गया ट्रिप पे जाने के बाद, तो भाई यही है चलता रहता ऊपर नीचे। तो अब देखते हैं, ट्रिप का प्लान हो रहा पक्का, धीरे धीरे अगले हफ्ते जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे को निकल लेंगे, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर। और ये तो बस ट्रिप से पहले एक खर्चा था छोटा मोटा, लगा लो ट्रिप पे ज़्यादा खर्चा होगा, ये तो गाड़ी की सर्विस हो गई, अभी तो सामान भी लाना पड़ेगा ट्रिप से जाने से पहले, जो अपना चीज़ रिक्वायरमेंट है और बहुत चीज़ें हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भैया आप सारे भैया देख, मैं पिटाऊंगा इनको। तू आके दे।